गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंस एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। कल हमने पढ़ा था, सॉरी कल नहीं, मैंने आपको पहले जो वीडियो सेंड की थी उसमें हमने पढ़ा था फिजिकली डिफरेंस, कि फिजिकल डिफरेंस कैसे होता है। अब हम इसी अगला आपका जो टॉपिक है इसमें है सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस कैसे कैसे होता है हम वो पढ़ते हैं। इसमें आता है आपका कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया एंड बिकम रिजिड अलॉन्ग विद द टाइम। मतलब देखो, अब सोशल डिफरेंस को समझना है हमने। अब सोशल डिफरेंस के अंदर क्या होता है बेटा, कि इसमें कास्ट सिस्टम होता है। अब आप देखते हैं कि समाज, इसको मैं हिंदी में बोलते हैं समाज। समाज इन द सेंस कि अलग अलग कास्ट सिस्टम्स होते हैं, कोई अलग कास्ट में होता है, कोई किसी कास्ट में होता है। तो सारे हमारे इंडिया में आपको दिखते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी जाति होती है, लोअर कास्ट, अपर, मतलब कि किसे बोलते हैं कि हम कि ये SC है, OBC है, जनरल है, ब्राह्मण है, ऐसे कुछ समथिंग हम जो बोलते हैं कि वो होते हैं कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में है। और क्या बन जाता है, एक कठोर रूप ले लेता है बाद में। ये कठोर रूप कैसे लेता है, देखिए, इट हैज़ लेड टू वेरियस सोशल प्रॉब्लम। अलग अलग सोशल प्रॉब्लम आप देखते हो, अगर अलग अलग सोशल्स होंगे, अलग अलग चीज़, अलग कोई अलग धर्म होगा, कोई अलग जाति का होगा, तो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी। कॉन्स्टिट्यूशन आर कंट्री प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। सिंपल लाइन, अब आप 6th क्लास में हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होगा। अब 7th 8th में जाओगे तो आपको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अलग अलग चैप्टर्स उसमें होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार चलती है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, जो कोर्ट वगैरह है। मान लो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको अधिकार मिल रखे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं कि आपको ये अधिकार मिले। अगर कोई उन अधिकारों को छीनता है, कोई नुकसान पहुँचाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में, आप सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो तो हाई लेवल का हो गया, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओगे। वहाँ पर अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट वाले क्या करते हैं, अगर वहां पे आपका केस सॉल्व नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। वैसे तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभाल लेता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट वो होता है जो नेशनल लेवल के जो भी केस होते हैं वो जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कुछ ऐसा क्राइम करा है, कुछ ऐसा गलत काम किया, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको इस काम के लिए ये सजा होगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी कास्ट को, कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम क्षत्रिय हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मतभेद करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट आता है, अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। जो पहले के टाइम पे होता था कि कोई अगर इस कुएं से अगर किसी नीच जात ने पानी पी लिया तो हम नहीं पियेंगे, तो ब्राह्मण लोग ऐसा करते थे। लेकिन अगर अब आप करोगे तो आपको पनिश मिल सकती है, मतलब पनिशमेंट्स आपको मिलेंगे अगर आपने अब ऐसा कुछ काम किया। वो कहाँ लिखा हुआ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डिक्लेयर कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई अनटचेबिलिटी, कोई छुआछूत की अगर चीज करता है तो उसको हम पनिश करेंगे, मतलब सजा देंगे। और सजा जो होती है वो 3 साल तक हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, जुर्माना भरना आपको मतलब भरने के लिए बोल सकते हैं आपको। तो अनटचेबिलिटी अब के टाइम पे तो नहीं है। अब आता है सोशल के बाद आता है इकोनॉमिक डिफरेंस। इकोनॉमिक, सम पीपल आर रिच एंड सम आर पुअर इन द सोसाइटी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर वेल्थ। अब धन को लेके क्या होता है कि कोई लोग पुअर हैं, कोई रिच हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो ये तो हो गया इकोनॉमिक डिफरेंस। दूसरा आता है डिफरेंस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लीड टू इनइक्वालिटी। अब क्या बोलते हैं, अगर दो कास्ट के लोग होंगे तो अगर एक कास्ट को ज़्यादा इनकम देंगे, जो अपर कास्ट होगी, जो लोअर कास्ट होगी, नीचे वाली कास्ट होगी, उसको कम पैसे देंगे, तो ये क्या हो गया, मतभेद हो गया ना, इनइक्वालिटी होगी, मतलब असमानता हो गई, हमने इक्वली मतलब ट्रीट नहीं करा, ये छोटा है तो हम इसको कम पैसे दिए हैं, ये ऊपर जाति का है तो हम इसको ज़्यादा पैसे देंगे, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस एक। अब आता है अगला डिफरेंस क्या है आपका इकोनॉमिक के अंदर, अगला आपका डिफरेंस है, इट अफेक्ट्स पीपल इन मैनी वेज, दैट इज एजुकेशन फैसिलिटी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक नीड
टू एक्सेस मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि अफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर किस चीज़ का, अगर आप नीची जात के हो तो आपको वैसी एजुकेशन नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं तो वो आप उसको ले उसके लिए आपको मतभेद किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल सकती अगर आप नीची कास्ट के। तो ये पहले के टाइम पर ऐसा होता था, वैसे अब तो नहीं होता, अब तो सबको इक्वल माना जाता है। अब तो जो नीची जो आप लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको तो काफ़ी सारी मतलब रिजर्वेशन भी दे दी गई है कि आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, इतने कम में जॉब मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी एक जो चेंज है वो देखने को आपको मिलता है। तो ये सब था हमारा इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिफरेंस था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, ओके। ये जो आपका चैप्टर था सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का, आगे मैंने आपको सोशल डिफरेंस के बारे में बताया था और इकोनॉमिक के बारे में बताया था, ओके।